और इंडिया आपको पता ही है, इंडिया जब खेलता है वो खेलता कम है, धोता ज्यादा है। आज उन्होंने जो धोया है खिलाड़ी को आपके सामने ही है, दो दो होकर उनको दबाव बना दिया, गंदे कपड़ों की तरह धोया इंडिया ने, गंदे कपड़े साफ करके भेजे। इंग्लैंड ने तो मुकाबला पूरा किया, इंग्लैंड मैच जीता जीता हार गया यार। इंग्लैंड की ना किस्मत इस दफा ना माठी चल रही है इस वर्ल्ड कप में, देखे आप क्रिकेट के बानी हो के आप अफगानियों से हार रहे हो, चलो खैर वो तो हम भी हार गए हैं, बिल्कुल अफगानियों से हार गए, उसके बाद भी मैच हार गए हैं, उसके बाद आज इंडिया से भी हार गए हैं, तो इंग्लैंड तो सीधा सीधा बाहर हो गया। क्या समझते इंग्लैंड इतनी पॉपुलर टीम है, क्रिकेट उन्होंने पॉपुलर थी, अब काफी पॉपुलर है, अब इंडिया पॉपुलर है। आप इंडिया की पॉपुलरिटी की बात करें, आप इंग्लैंड की पॉपुलरिटी की बिल्कुल बात ना करें, इंडिया की बात करें, इंडिया इस टाइम पॉपुलर है, इंडिया बेस्ट टीम है इस टाइम, पूरे वर्ल्ड कप में उठा के देख लें, छह मैचेस लगातार इंडिया ने जीते, आज कभी जीत गई, इसे इसे बड़ी टीम कौन सी हो सकती है, इंडिया ही हो सकती है, फिर पॉपुलर टीम कौन सी हुई इंडिया। आप दुआ करती हैं पाकिस्तान के लिए शायद कोई चांस बन नहीं जाए, हमें कोई टाकरा देखने को मिल जाए इंडिया के साथ, आंखें तरसी हुई हैं अगर आप लेवल का टाकरा देखने को मिले। पर कई कहते हैं हमारे साथ धोखा हो गया, अंपायर ने धोखा कर लिया, अंपायर ने धोखा किया यार इस बात पे, आईसीसी ने भी एक्शन लिया यार। आज बड़े खुश लग रहे हैं आप, इंडिया का इंडिया मैच जीत गया आज इंग्लैंड से। बस भाई बात यह है कि इंडिया वाले प्रोफेशनल लोग हैं, प्रोफेशनली क्रिकेट खेलते हैं, उनकी सिलेक्शन प्रोफेशनली होती है, उनकी बैटिंग ऑर्डर सारे प्रोफेशनल हैं, बिल्कुल उनमें कोई सिफारिश नहीं चलती, टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तो बॉलिंग कैसी लगी आपको मोहम्मद सिराज की? यार बॉलिंग की तो फिर क्या ही बात है ना, इंडियन पहले हमारी बॉलिंग होती थी लेकिन अब इंडियन की बॉलिंग नजर आती है यार, सिराज की बॉलिंग देखें, कुलदीप की देखें, क्या कमाल, एक एक फुट की तो स्विंग हो रही है यार, मजा आ रहा है, इस पिच पे भी स्विंग करें मजा आ जाता है। उन्होंने निकाले शुभमन गिल हो गया, श्रेयस अय्यर हो गया, जो बाकी है सूर्य कुमार यादव हो गया, वो उन सबको पॉलिश कर रहे हैं और आज वो दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं, बिल्कुल नंबर वन टीम है और उनके पास सबसे ज्यादा प्लेयर है, बल्कि दुनिया में कोई अगर टीम है जो डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड रखती है, रोहित शर्मा है, शुभमन गिल है, श्रेयस अय्यर है, सारे डबल सेंचुरी बना चुके हैं, हमारी टीम में कोई भी नहीं है। सबसे पहले बात करें उनकी ओपनिंग प्लेयर जहाँ से शुरुआत है, रोहित शर्मा ने जो स्टार्ट दिया है पता लगा कोई कैप्टन ने स्टार्ट दिया है यार, मजा आ गया, पता चला टीम पर कैप्टन ने प्रेशर संभाला हुआ, पता चला आज मैच देखा है, कोई मैच देखा है आज, इंडिया का हर मैच उठा के देख ले पता चलता है यार मैच देख रहे हैं, पाकिस्तान की तरह नहीं वन साइड चला जाता। बाकी अगर विराट कोहली की बात करें बहुत अच्छा खेल के गए, नो डाउट बहुत आउट क्लास खेल के गए, मैं हमसे एक्सपेक्ट कर रहा था आज सेंचुरी करेंगे और सचिन तेंदुलकर जो फास्टेस्ट 49 सेंचुरी उसका रिकॉर्ड तोड़ेंगे, लेकिन बदकिस्मती थी किस्मत इंग्लैंड ने आज उनको कहा है आज भाई तेरी सेंचुरी नहीं होने दे, हां इंग्लैंड ने आज उनकी सेंचुरी नहीं होने दी, उनकी किस्मत चल गई तरह आगे तो, लेकिन नो डाउट वो अपने हिस्से का सारा खेल के गए हैं, टीम को जो जरूरत थी वो पूरा करके गए। सर देखिए आज के दौर में जो बड़ा बैट है बेस्ट बैट है ना वो विराट कोहली है, बाबर आजम है बड़ा बैट है बट वो विराट कोहली के लेवल को नहीं टच कर पा रहा। बस अब रोहित शर्मा के नाम एक शेयर है कि वो एक शख्स जिसका मुझे नाम भी नहीं आता, बगैर उसके तो आराम भी नहीं आता, करूंगा क्या जो मोहब्बत में हो गया नाकाम, मुझे तो और कोई काम भी नहीं आता। क्या बात है, क्या बात, क्रिकेट देखना आता है रोहित शर्मा को देखना आता है। हाँ बस क्रिकेट देखते हैं और रोहित शर्मा को देखते हैं। आप इंग्लैंड को दोबारा कहेंगे क्रिकेट सीख के आओ? सर सीख के क्या हो, उन्होंने सीख ली जो सीख ली थी, इंडिया ने सिखा दिया इंग्लैंड को क्रिकेट आज। मतलब कि आपको लग रहा है ये कप इंडिया का ही है? सर कप इंडिया का है, अभी भी आप सोच रही है कप इंडिया का, फिर भी कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप इंडिया का ही है, ऑस्ट्रेलिया भी तो कुछ है सर, ऑस्ट्रेलिया कुछ भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया को जैसे लास्ट मैचेस में इंडिया ने दिखा दिया ना अपना आप, अब भाई यहाँ पे तो ऑस्ट्रेलिया के पल्ले कुछ नहीं है। अस्सलाम वालेकुम, सलाम भाई जान, अल्लाह का शुक्र, बड़े खुश लग रहे हैं आज इंडिया की जीत में। सर देखिए इंडिया इस टाइम मेरी तो फेवरेट टीम बनी हुई है, जैसे वो खेल रहे हैं ना परफॉर्मेंस कर रहे हैं, स्पेशली उनकी जो ओपनर है यार मैं कहता हूँ लेवल कर दिया उन्होंने आज, जो वैसे खेला है रोहित शर्मा हो गया और उसके बाद ये शुभमन गिल हो गया, विराट कोहली आपको पता ही है इज अ फादर ऑफ ऑल क्रिकेट, मैं कहता हूँ बैट्समैन ठीक है आपको पता ही है विराट कोहली की, तो भाई एंड कर दिया इंडिया की टीम ने, तो मजा आ गया इसका मैच को देखने का। अच्छा क्या समझते इंग्लैंड इतनी पॉपुलर टीम है, क्रिकेट उन्होंने ज्यादा किया, पॉपुलर थी अब काफी पॉपुलर है, अब इंडिया पॉपुलर है, आप इंडिया की पॉपुलरिटी की बात करें, आप इंग्लैंड की पॉपुलरिटी की बिल्कुल बात ना करें, इंडिया की बात करें, इंडिया इस टाइम पॉपुलर है, इंडिया बेस्ट टीम है इस टाइम, पूरे वर्ल्ड कप में उठा के देख लें, छह मैचेस लगातार इंडिया ने जीते, आज कभी जीत गई, इसे बड़ी टीम कौन सी हो सकती है, इंडिया ही हो सकती है, फिर पॉपुलर टीम कौन सी हुई इंडिया, इंग्लैंड इंग्लैंड सिर्फ पॉपुलर थी और थी फेवरेट थी बट अब बिल्कुल नहीं है, अब सिर्फ भाई इंडिया फेवरेट है। मतलब कि आपको लग रहा है ये कप इंडिया का ही है? सर कप इंडिया का है, अभी भी आप सोच रही है कप इंडिया का, फिर भी कहीं ना कहीं वर्ल्ड कप इंडिया का ही है, ऑस्ट्रेलिया भी तो कुछ है सर, ऑस्ट्रेलिया कुछ भी नहीं है, ऑस्ट्रेलिया को जैसे लास्ट मैचेस में इंडिया ने दिखा दिया ना अपना आप, अब भाई यहाँ पे तो ऑस्ट्रेलिया के पल्ले कुछ नहीं है, अब ऑस्ट्रेलिया खत्म है, इंडिया के आगे कुछ नहीं है, न्यूजीलैंड की बात करें, न्यूजीलैंड
टफ टीम है, खतरनाक टीम है, लेकिन वो भी मुझे लगता है इंडिया के सामने नहीं टिक पाएगी में। अगर फाइनल में दोनों गए तो बिल्कुल लगातार छह मैच इंडिया जीत गया सर, सात जीत चुका हुआ, आज सातवां नहीं जीता, वो तो मैं भूल गया था यार। लगता है इंडिया को बड़ा प्यार करते हैं सर। प्यार की बात नहीं, मैं इंडियन टीम्स के साथ प्यार करता हूँ। फेवरेट बैट्समैन कौन सा आपका सर? फेवरेट मैं विराट कोहली, और किसका कौन, मैं किसका नाम लूं? विराट कोहली सर हमारा फेवरेट बैट्समैन है, उसके लिए लव है अपना, उससे बड़ा बैट मैंने अभी तक नहीं देखा पूरे। पर हम बाबर को बड़ा कंपेयर करते हैं, आपको लगता है बाबर उसके लेवल का सर? देखें सर, देखें आज के दौर में, आज के दौर में जो बड़ा बैट है, बेस्ट बैट है ना, वो विराट कोहली है। बाबर आजम है, बड़ा बैट है, बट वो विराट कोहली के लेवल को नहीं टच कर पा रहा। तो आप इंग्लैंड को दोबारा कहेंगे क्रिकेट सीख के आओ? सर सीख के क्या हो, उन्होंने सीख ली जो सीख ली थी। अच्छा। इंडिया ने सिखा दिया इंग्लैंड को क्रिकेट, आज उन्होंने बता दिया भाई ऐसे क्रिकेट खेलते हैं, ऐसे ही आप खेलोगे, परफॉर्मेंस देंगे तो ही आप वर्ल्ड कप की टीम की वर्ल्ड कप के अंदर सर्वाइव कर पाओगे, वरना सर आपका बहुत मुश्किल है। और इंडिया आपको पता ही है, इंडिया जब खेलता है वो खेलता कम है, धोता ज्यादा है। आज उन्होंने जो धोया खिलाड़ी को आपके सामने ही है, दो दो उनको धुआं बना दिया, गंदे कपड़ों की तरह धोया इंडिया ने, गंदे कपड़े साफ करके भेजे, ऐसे ही कहूंगा भाई। वालेकुम भाईजान, मैं ठीक हूँ, आप सुनाए? बस ठीक ठाक। आज कैसा लगा इंडिया का प्रेशर, इंग्लैंड जैसी टीम को आज उन्होंने शिकस्त दी है? जी बिल्कुल ऐसी है, इंडिया ने तो जीतना ही था, ऑब्वियसली बात है यार। इंग्लैंड को देखे वो तो हमारी डगर पे चल गया है, पाकिस्तान की डगर पे हारने वाली साइड पे आ गया। सबसे पहले बात करें उनकी ओपनिंग प्लेयर जहाँ से शुरू हुआ था, रोहित शर्मा ने जो स्टार्ट दिया, पता लगा कोई कैप्टन ने स्टार्ट दिया यार, मजा आ गया, पता चला टीम पर कैप्टन ने प्रेशर संभाला हुआ। मैच देखा आज इंडिया का, मैच उठा के देख ले, पता चलता है यार मैच देख रहे हैं, पाकिस्तान की तरह नहीं है वन साइड चला जाता। बाकी अगर विराट कोहली की बात करें, बहुत अच्छा खेल के गए, नो डाउट बहुत आउट क्लास खेल के गए। मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था आज सेंचुरी करेंगे, और सचिन तेंदुलकर जो फास्टेस्ट 49 सेंचुरी उसका रिकॉर्ड तोड़ेंगे, लेकिन बदकिस्मती थी किस्मत ने उनका साथ, आज उनको कहा है आज भाई तेरी सेंचुरी नहीं हमने होने दे। हाँ इंग्लैंड ने आज उनकी सेंचुरी नहीं होने दी, उनकी किस्मत चल गई तरह आगे तो, लेकिन नो डाउट वो अपने हिस्से का सारा खेल के गए हैं, टीम को जो जरूरत थी वो पूरा करके गए। तो बॉलिंग कैसी लगी आपको मोहम्मद सिराज की? यार बॉलिंग की तो फिर क्या ही बात है ना, इंडियन पहले हमारी बॉलिंग होती थी, लेकिन अब इंडियन की बॉलिंग नजर आती है यार। सिराज की बॉलिंग देखे, कुलदीप की देखे, क्या कमाल, एक एक फुट की तो स्विंग हो रही है यार, मजा आ रहा है। इस पिच पे भी स्विंग करे मजा आ जाता है यार। इंग्लैंड ने तो मुकाबला पूरा किया, इंग्लैंड मैच जीता जीता हार गया यार। इंग्लैंड की ना किस्मत इस दफा ना माठी चल रही है इस वर्ल्ड कप में, देखे क्रिकेट के बानी हो के आप अफगानियों से हार रहे हो, चलो खैर वो तो हम भी हार गए हैं, बिल्कुल अफगानियों से हार गए, उसके बाद भी मैच हार गए हैं, उसके बाद आज इंडिया से भी हार गए हैं, तो इंग्लैंड तो सीधा सीधा बाहर हो गया। आप दुआ करते हैं पाकिस्तान के लिए शायद कोई चांस बन नहीं जाए, हमें कोई टाकरा देखने को मिल जाए इंडिया के साथ, आंखें तरसी हुई हैं अगर जरा लेवल का टाकरा देखने को मिले। पर कई कहते हैं हमारे साथ धोखा हो गया, एम्पायर ने धोखा कर लिया। हाँ एम्पायर ने धोखा किया है यार, इस बात पे आईसीसी ने भी एक्शन लिया और डिस्क्वालीफाई भी किया एम्पायर को, लेकिन इसका क्या फायदा? पर कह रहे थे कि शायद मे भी हो सकता है पाकिस्तान को दोबारा चांस मिल जाए, या मैच दोबारा होगा या पॉइंट मिल जाएगा, अल्लाह करे मिल जाए, क्योंकि पाकिस्तान ने वैसे तो जाना नहीं है, कुदरत का निजाम चले तो शायद हम चले ही जाएं आगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल भाईजान? खैरियत है आप? आज बड़े खुश लग रहे हैं आप, इंडिया का इंडिया मैच जीत गया आज इंग्लैंड से। बस भाई बात यह है कि इंडिया वाले प्रोफेशनल लोग हैं, प्रोफेशनली क्रिकेट खेलते हैं, उनकी सिलेक्शन प्रोफेशनली होती है, उनकी बैटिंग ऑर्डर सारे प्रोफेशनल हैं, बिल्कुल उनमें कोई सिफारिश नहीं चलती, टैलेंट की कोई कमी नहीं है, वो टैलेंट की कदर करते हैं और उनका जो आईपीएल है उनको जो प्रोडक्ट देता है उसको अपने यूज करते हैं। हमारा जो पीएसएल का प्रोडक्ट है सारा या बेंच पे पड़ा हुआ है या सिलेक्शन कमेटी ने उनको चुना ही नहीं है। पैसे सैलरी भी नहीं देते हमारे, सैलरी तो दे, अभी सैलरी तो चलो दे रहे हैं, कुछ ना कुछ तो दे रहे हैं, वो कुछ मसला आया था सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लेकिन वो हल हो गया है, उसके अलावा सिलेक्शन ही नहीं हो रही। जो प्लेयर हमारे हैं, हमारा बेंच इतना स्ट्रांग है कि हमारे ओपनिंग बैट्समैन में सैम अयूब जैसे बैट्समैन है, आसिफुल्ला जैसे बैट्समैन है, उनको बाहर ही बिठाया हुआ है। आपके पीएसएल का क्या फायदा जब आप पीएसएल के प्रोडक्ट को खिला ही नहीं रहे? बिल्कुल इसी तरह। और जो उनका आईपीएल है इंडिया का, उसमें देखे जो प्लेयर उन्होंने निकाले हैं, शुभमन गिल हो गया, श्रेयस अय्यर हो गया, जो बाकी है सूर्य कुमार यादव हो गया, उन सबको पॉलिश कर रहे हैं और आज वो दुनिया में अपना नाम कमा रहे हैं। बिल्कुल नंबर वन टीम है और उनके पास सबसे ज्यादा प्लेयर है, बल्कि दुनिया में कोई अगर टीम है जो डबल सेंचुरी का रिकॉर्ड रखती है, रोहित शर्मा है, शुभमन गुल है, श्रेयस अय्यर है, सारे डबल सेंचुरी बना चुके हैं, तो हमारी टीम में कोई भी नहीं है। तो आपको विराट कोहली की और रोहित शर्मा की बैटिंग कैसी लगी कि इन्होंने इतने अच्छे तरीके से खूबसूरती के साथ ये मैच विन किया इंग्लैंड? भाई देखें मैं तो रोहित शर्मा का उस दिन का फैन हूं जब मैंने इसकी बैटिंग देखी थी और इसकी पुल शॉट देखी थी, और उसकी जो पुल शॉट होती है मैं कहता हूँ परफेक्शन है, कोहली की कवर ड्राइव की कोई मिसाल नहीं मिलती आपको। फेवरेट बैट्समैन कौन है, विराट कोहली है या रोहित शर्मा? नहीं मेरा फेवरेट अगर आप देखें, मैं हम पठान हैं, पहले शाहिद अफरीदी के फैन है, तो हमें आप जो है रोहित शर्मा ज्यादा पसंद है क्योंकि वो तेज खेलता है, निडर होके खेलता है और बगैर खौफ के खेलता है। आपने दो शेर सुनाने हैं,
एक शाहिद अफरीदी पे, एक रोहित शर्मा। शौक बराना पा चलते थे और रस्ते पथरीले थे, घिसते घिसते घिस गए आखिर जो कंकर नोकीले थे। खारे चमन थे शबनम शबनम, फूल भी सारे पीले थे, और शाख से टूट के गिरने वाले पत्ते फिर भी पीले थे। और सारे सपेरे बीन लिए फिरते हैं वीरानों में, शहर में रहने वाले सांप बड़े जहरीले थे। और तुम यूं ही नाराज हुए हो वरना मैं खाने का पता, हमने हर उस शख्स से पूछा जिसके नैन नशीले थे। और कौन गुलाम मोहम्मद कासिर बेचारे से करता बात, चालाकों की बस्ती थी और हजरत शर्मीले थे। क्या बात है, कमाल कर दिया। इधर दिखाएं, क्लैपिंग हो रही है। बड़ा यार खूबसूरत शेर सुनाया आपने यार, आपने तो आवाम को पागल कर दिया अपने शेर व शायरी से यार। बहुत शुक्रिया।